मतदाताओं ने मेरे को इतना वोट दिया है, इंतजार चलती रहती है, पर इतने लोगों ने मेरे पे विश्वास प्रकट किया है और मुझे वोट दिया है, तो मैंने ये बनाया है कि मतदाता आभार यात्रा एक निकाली जाए और लोगों को जाके ये निवेदन किया जाए कि आप लोगों ने मुझे मत दिया, मुझे इतने वोट दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे लायक जो भी काम हो मुझे आप बताएं, मैं आपके लिए तैयार रहूंगा, ताकि कार्यकर्ता का मनोबल भी बना रहेगा, मेरे समर्थक है उनका मनोबल भी बना रहेगा और जनता को भी ये मैसेज जाएगा कि आदमी चुनाव में पराजित होने के बाद भी हमारे बीच में आया है, ये मेरा मंतव्य है, ये मेरा मंत्र। सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया में ये था कि कुछ लोग फर्जी आईडी बनाकर विश्व अमन कर रहे हैं, समाजों के बीच में एक दूसरे को गाली की बौछार कर रहे हैं, उससे मैं आहत हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो मेरा कार्यकर्ता नहीं हो सकता, मेरा समर्थक नहीं हो सकता जो दूसरे किसी को गाली दे। मुझे 36 कौम ने वोट दिया है, सभी लोगों ने मुझे मतदान किया है, कम ज्यादा संख्या होती रहती है, पर मुझे सबका प्यार प्रेम मिला, स्नेह मिला इतने दिन तक, तो समाज के बीच में इस ढंग से कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए, इसके मैं सख्त खिलाफ हूँ और इसी कारण से मैं इन लोगों ने समझाया कि उसको रोक करें। सर, परिणाम के बाद में डॉक्टर धनलाल मीणा जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि मेरे लक्ष्मण जैसे भाई पर कुछ जयसंधो ने शक्तिमान लगा दी। हाँ, तो उनका है कि भाई किसी ने भितरघात करके और मारा है चक्र में फंसा के, तो वो उस पर स्टडी विश्लेषण कर रहे हैं, सारी वोटर लिस्ट वो मतदाता जो संख्या है उसको प्रत्येक बूथ से वेरीफाई कर रहे हैं कि किस ढंग से कहाँ किसने क्या किया है, दूसरे पूछने को तो उसके परिणाम आने हैं भविष्य के गर्भ में है कि किसने वार किया है, किसने चक्र में फंसा के मारने की कोशिश की है, तो उसकी बात आ जाए। उनका इतना बड़ा कद है और उनका इतना बड़ा ओरा है कि वास्तव में उनसे मिलाने में अच्छे अच्छे घबराते हैं, तो अगर कौन से दाण होगी तो बात ही है। सही कहा, कौन है दाण होगी जी, वो बताएंगे कौन किसके लिए काम। उन्होंने जयपुर में बोला भी था कि मैं 4-5 दिन में मीडिया एग्जाम बुला के दूँ। हाँ हाँ, करेंगे, शायद लगे हुए इसमें गहन मंथन कर रहे हैं किस किस ने क्या किया क्या नहीं किया। वो तो आप जानते हो उनका स्वभाव, तो बोलने वाले आदमी है, किसी से डरते झिझकते नहीं है, और जो भी बात आए कि इस पर सामने उनका अपना हो चाह पराया हो वो उसको लाई देते हैं लोगों के सामने, किसी ने किया है तो निकट भविष्य में आ जाएगा। सर, उनकी बड़ी पीड़ा ये रहेगी, बड़ी लक्ष्मण जैसे भाई मान लो बहुत मेहनत की, फिर भी वो चुनाव में मिले। हाँ, मेरी समझ में उन्होंने अपने किसी चुनाव में इतनी मेहनत नहीं की, मैंने जो देखा है इतनी मेहनत उन्होंने चुनाव में की है। मैं लक्ष्मण स्वरूप उनके साथ रहा हूँ, तो उन्होंने अपना दायित्व समझा कि भाई मैं इसको एक बार राजनीतिक सफलता दिलाऊं, इसमें राजनीति के कारण 11 लिया था, उन्होंने प्रयास किया, प्रयास करते हैं लोग अब कहाँ। लेकिन मैं एक लाइन में ये कहूंगा आपको, ये हमारे विपरीत नफरत और ईर्ष्या का बोध डला है, और उस नफरत और ईर्ष्या में पता नहीं क्या क्या छुपा है, तो उससे कैसे पार पाया जा सकता। सर, एक सोशल मीडिया का पता है भयंकर वाली गाली मैंने आज मीटिंग इसीलिए बुलाई है कि भाई ये गाली गलौज कौन लोग कर रहे हैं, फर्जी आईडी तैयार करके ये हमको भविष्य के लिए टारगेट कर रहे हैं कि फला जाति या फला समाज इनके खिलाफ हो जाए, तो उन आईडी जो बना रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनकी बात का जवाब दिया जाए, लोगों के सामने सही बात को लाया जाए, यही मीटिंग बुलाने का कारण था। वो ऐसी गाली गलौज देखकर सुनकर सोशल मीडिया पर मैं भी आ रहा हूँ, इसी कारण से वो फोन भी वायरल हो रही है। देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा, कौन सही है कौन गलत है, और भी गलत भी हो सकती है सही भी हो सकती है, तो इसका आपके सामने रखेंगे विश्लेषण लेके आएंगे। ऑडियो को सुनकर आपको पहले मन में क्या हुआ कि भाई ऐसा भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और मैं तो बहुत ब्रॉड माइंडेड आदमी हूँ, मैं ये भी जानता हूँ लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं, इसलिए जब तक किसी चीज की पुष्टि नहीं हो जाए, आप आश्वस्त नहीं हो जाए कि ये बात सही है या गलत है, तब तक आपको किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, ये मेरे विचार से बहुत गलत। राजनीतिक भविष्य क्या देखते हो? राजनीतिक भविष्य तो अपना सदा से उज्ज्वल रहा है,
अब भी हम हार के जीते हैं, कौन कहता है हम हार के जीते? तो जो जिन्होंने बोला कि मेरे जैसे लोगों के लिए राजनीति चेहरे का अच्छा फील्ड, हाँ जो वर्तमान में जो चाल है कुटिलता है राजनीति में, वो मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को फिट नहीं पाता हूँ मैं। कुटिलता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पहले भी हमने 40 साल पहले चुनाव लड़ते थे तो लोग जेब में चढ़े के घूमने रख के प्रचार करते थे, और आज भी पश्चिमी राजस्थान में नेता को लोग पैसा देने के लिए आते हैं, तू चुनाव लड़ आगे बढ़ हम तेरे साथ हैं। और पूर्वी राजस्थान में सिस्टम ये हो गया कि नेता जी के यहाँ लाइन लगती है, एक साल कुछ तो भी दो तो कैसे काम चलेगा। इसी राजनीति में जब ऐसी गिरावट आएगी तो मन तो फिर लोगे मेरे जैसे आदमी, इसलिए मैं इस चीज से व्याकुल हूँ, व्यथित हूँ, इस सिस्टम में कैसे सुधार लाया जाए। विधानसभा क्षेत्रों को बिगाड़ दिया है नेताओं ने, जिन्होंने पैसा दे दे के दाल बांट बांट के लोगों को एनडीयू फायदा दे के और आम आदमी को मार दिया। इनको सबक सिखाना चाहिए।